अब हमारे इन साथियों को मैं जिम्मेदारी लेकर के जाता हूँ। ये 10-12 जने हैं, ये अपने आप को जयप्रकाश समझेंगे। जो भाई आधी रात भी इनको बुलाएगा आपके बीच में आएंगे और आप खुद ही जेपी समझ गए जो जो यार मेरा काम चल गया कई सालों में। अगर आदमपुर के बाई इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रसोई कार्यकर्ता 98% पोलिंग कर देते तो मैं जीतता बीजेपी नहीं। ये ताकत मैं तो आज केवल 5-4 दिन में है मेरी बात हम दे दोगे फिर मन नहीं होगा करेंगे तो मैं छात्र मानना है। आज मैं आया हूँ इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के तौर पे आपसे वोट मांगने और दो ही बात को लेकर के वोट हम मांग रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में संविधान को बदलना चाहती है, सिस्टम को बदलना चाहती है, प्रजातंत्र को खत्म करना चाहती है। यदि आप ये समझें कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान को जिसकी सुरक्षा के लिए जिसको बनाने के लिए हमारे हजारों उस वक्त के नौजवानों ने हंसते हंसते अंग्रेज की फांसी का फंदा चुंबा था तब जाकर के देश आजाद हुआ था। देश आजाद होने के बाद इस देश में कानून का राज लागू किया था बाबा साहब ने, आज उसको बदल रहे हैं। आज ये प्रजातंत्र को खत्म कर रहे हैं। ये मेरे हिसाब से यदि लोगों ने गलती कर दी वैसे तो आज ये मीडिया के माध्यम से 405 घंटे करते 167 पे आ गए। अभी 3 चरण और बाकी हैं, 150 से ऊपर ये नहीं आएंगे। मैं तो आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि लोगों देश की तरक्की के लिए नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए किसान की आर्थिक मजबूती के लिए मजदूर के निर्माण के लिए आप लोगों ने कांग्रेस पार्टी को वोट देना चाहिए। दोगे कि नहीं दोगे? आप सुन रहे एक लाइन की बात हमारे खिलाफ एक प्रचार था भाई के कांग्रेस पार्टी में फूट है, ठीक है ना। आज मैं कह सकता हूँ एक तरफ जयप्रकाश कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में आपके बीच में आया है, आज हमारे साथ जितने हमारे साथी हैं मैं भी नाम फिर गिराऊंगा, भूल गया तो कदर उस जगह पर मेरा जितनी हांसी की कांग्रेस है ये नौजवानों से लेकर के और सारे के सारे आज आपके बीच में है। लेकिन रणजीत सिंह जी गलती से आया हो उसके साथ एक भी बीजेपी का शहर का इलाके का जिले का कोई नेता नहीं, वहां उसकी पार्टी ने उनको रिजेक्ट कर दिया, लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। जयप्रकाश को टिकट मिलते लोगों ने घड़ा लगा दिया और चुनाव वही जीतते हैं वही पार्टी जीतती है जिसके कैंडिडेट का कैंडिडेट तो स्वीकार कर लिया जाए। तो भाई लंबा चौड़ा सफर है, मैं अब आपका माथा तारा गांव में टेक गया। अब हमारे इन साथियों को मैं जिम्मेदारी लेकर के जाता हूँ। ये 10-12 जने हैं, ये अपने आप को जयप्रकाश समझेंगे। जो भाई आधी रात भी इनको बुलाएगा आपके बीच में आएंगे और आप खुद ही जेपी समझ गए जो जो यार मेरा काम चल गया कई सालों में। मैंने स्वीकार कर लिए वोट दो यार चलो आगे चला।